नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप पूरी मेहनत कर रहे होंगे। ध्यान रहे, आप नोट्स बनाते रहें, होमवर्क करते रहें, क्योंकि ये दोनों बातें, अगर आपने इन बातों में किसी भी प्रकार की कोताही अगर आपने बरती, तो मास्टर अपना काम इस कैमरे के इस एंड पे पूरी ईमानदारी से कर रहा है। आपसे उम्मीद करता है कि आप भी अपना काम, वीडियो को देखना, उसके बाद सारे सवालों को सॉल्व करना, डाउट को पूछना और नोट्स बनाना, प्रॉपर ये चीज़ें आपसे उम्मीद की जाती है। अगर आप इसमें किसी भी प्रकार की कोताही करेंगे तो ये ऑनलाइन जो पढ़ाने का ये जो पूरा खेला है वो एक तरफा प्यार की तरह हो जाएगा, जिसमें एक ओर से मेहनत होगी लेकिन कोई भी फ्रूट आपको, मतलब कोई भी आउटपुट हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। तो उम्मीद की जाती है कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहें। चलिए ठीक है, तो ये रोज का खेला है। उम्मीद है कि आप सारा काम सही से कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग लास्ट टाइम तक ये बात कहाँ बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे, हाँ, हम लोग स्पेरिकल मिरर का खेला शुरू कर चुके थे। और स्पेरिकल मिरर में हमने बातें की थी, हाँ, छोटी छोटी बातें की, ये बेसिक बेसिक बातें हमने की थी, और मैग्निफिकेशन की छोटी सी बातें हमने स्टार्ट की थी, है कि नहीं। हमने जो है पहला टाइप का मैग्निफिकेशन पढ़ा और छोटी छोटी बातें की कि भाई मैग्निफिकेशन में प्लस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, यानी इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, इरेक्ट इमेज क्या होती है। हम लौट के उस पर दोबारा आएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें उससे पहले और अपन देखते हैं। मैग्निफिकेशन पे लौट के दोबारा आएंगे, अभी अपन रे ट्रेसिंग के बारे में बात करते हैं, छोटी सी बात करते हैं, हालांकि ये 10th लेवल की बात है। ओहो, रे ट्रेसिंग के बारे में कुछ रूल्स है, कुछ फैक्ट्स है, या कुछ बातें हैं जिनका उपयोग करके आप जो है रे डायग्राम बनाते हैं कि नहीं, या किस तरह से इमेज बनती है, उस इनके लिए इनकी जरूरत होती है। बहुत छोटी सी है, चंपू टाइप की है, तो बोलेगा क्यों बता रहे हो, ये तो भाई साहब जो है 10वीं लेवल की बातें हैं, हमको पता है। मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, तो पहली बात ये है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कन्वर्ज होके कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। अब आप समझदार हैं कि कैसी रेज होगी ये, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पैरा एक्सियल रेज होगी, बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं बोला जाए तो अपन पैरा एक्सियल रेज को ही मानेंगे। ओहो, अच्छा भाई साहब, दूसरा जो दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल ये बोलता है, टोटे ये 10th लेवल की बातें हैं तो मैं तुरंत तुरंत बताता हूँ ताकि एक बार आपको याद आ जाए कि अगर कोई रेज फोकस से पास हो रही है तो वो टप्पा खाने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उम्मीद है कि ये भी तुझे पता होगा। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तीसरे टाइप की अगर तूने सुना हो, मतलब समझ सकता है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। मान लो मैं तुमसे ये बोलूं कि एक रे है जो कहाँ से पास हो रही है, तो पास हो रही है सेंटर से, जो कि यहाँ पे जाएगी, टप्पा खाएगी यानी रिफ्लेक्ट होगी और वापस लौट के आ जाएगी, काइको लाला, क्योंकि वो नॉर्मल के अलोंग जा रही है। इस मिरर का हर एक बिंदु जो है एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, और एक एक पॉइंट को तो प्लेन का पार्ट मान सकते हैं ना। हाँ भाई, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नॉर्मल के अलोंग है टप्पा खाने के बाद में वापस आ जाएगी। तो ये तीन, अच्छा चौथा चौथा रूल क्या था, अपने जो 10th में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि मान लो कि ये मिरर हो गया अपने पास, एक रे आई इधर से, आई इधर से आई, मान लो ये एंगल थीटा है तो वापस थीटा पे चली जाएगी, ये जो पोल है यहाँ पे टकरा के, यानी कि ये थीटा जो इंसिडेंट एंगल होगा तो थीटा यहाँ पे वापस जो है वही रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। ये चारों बातें जो है, यानी पहली दूसरी और तीसरी और चौथी, ये बात जो है हमें इमेज को ट्रेस करने में काम आएगी, यानी कि इमेज को बनाने में काम आएगी, इमेज को किस तरह से फ्लोट करना है, क्योंकि धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे इस अभी आज वाले लेक्चर में। हम लोग चाहते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज कैसी बनेगी, है ना, तो ये हम लोग पता करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिक चार रूल तो हमको 10th लेवल का पता ही है। अच्छा, आप लोग साहब कॉनकेव में बताया है, कॉन्वेक्स में क्या होगा। मान लीजिए कि ये वाला मिरर जो है वो ऐसा है, टिक 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 टिक, रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो टप्पा खाने के बाद में किधर जाएगी, फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। ऐसा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अगर मान लो कि ऐसा दूसरा वाला, रे जो कैसे पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, टिक 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 टिक, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, तो टप्पा खाने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा वाला क्या बोल रहा है आपसे, तीसरा वाला ये फर्स्ट हो गया भाई साहब। ये बातें अपन किसके केस में कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर के केस में कर रहे हैं। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है कॉन्वेक्स मिरर। छोटी छोटी बातें ऐसे ही बता रहे हैं, गोल की रफ्तार से तेजी से जरा ध्यान से देख ले, टिक टिक टिक, उलुलुलुलु। अच्छा, एक रे है जो कि यहाँ सेंटर से पास हो रही थी, सेंटर मान ले यहाँ से ऐसे आ रही थी, टिक टिक टिक, ये सेंटर से पास हो रही थी, टप्पा खा के वापस वापस कट लेगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, फोर्थ वाला ध्यान से अगर अपन देखें तो फोर्थ वाला देख लो भाई साहब, ऐसे टिक 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 टिक, तो यहां से ये आई होगी ऐसे, तो टप्पा खा के वापस चली गई होगी, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाए। अच्छा, तो इन चार रूल का उपयोग करते हुए अपन धीरे धीरे इमेजेस बनाते हैं, क्या बोलते हो, है कि नहीं है, ये ठीक
चार रूल कौन से हैं कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से पास होगी, दूसरा कि अगर रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, अगर रे सेंटर से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंटर से ही पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है, और अगर वो पोल से आकर टकरा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर थीटा है तो वापस जाते हुए उससे एंगल थीटा, मतलब यहाँ पे नॉर्मल ये यही नॉर्मल हो जाएगी, ये तो यहाँ पे प्लेन मिरर की तरफ ये करेगा, तो आप लोग वो कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है, ये चारों बातें आप जो 10th लेवल में जानते हैं, क्या बोलते हो, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और इन्हीं का उपयोग करते हुए अपन जो अलग अलग केस में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, ऐसे टाइम पास करते बहुत ही मतलब डेप्थ में अपन धीरे धीरे सारी बातों को पढ़ते हैं। चलिए भाई साहब, अलग 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 केसेस के बारे में बातें करते हैं। पहले कौन से मिरर की बातें करें, मैं कॉन्केव मिरर के बारे में पहले बातें कर रहा हूं, पूरी ईमानदारी से आप उसको देखिएगा समझिएगा ताकि आगे जो लेंसेज हैं और उसके लिए आप खुद ही ये सब सारा कार्यक्रम करेंगे, ठीक है, होमवर्क में मैं बोल दूंगा कि ये करके आइएगा तो फिर आप जो है खुद ही करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखें कि क्या क्या इस करने वाले हैं। केसेस फॉर कॉन्केव मिरर, केसेस फॉर कॉन्केव मिरर, अच्छा पहले पूरी पीएचडी इस पे करते हैं कॉन्केव मिरर के बारे में। केस मतलब केसेस का मतलब ये समझिए कि भाई अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, उसकी पूरी भावनाएं, उसकी पूरी मतलब क्या क्या उसका होगा सब सब कुछ बता करते हैं। पहला केस लेते हैं, केस वन, केस वन मान लीजिए कि ये कॉन्केव मिरर है और अपने पास जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस मान लीजिए और ये पोल मान लीजिए और ये सेंटर मान लीजिए, ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ पे इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी पे भाई साहब, ओहो इमेज बनानी है, इमेज में बनाने के लिए अपने को दो रे की जरूरत पड़ती है तो दो रे ऐसी बना लेती है, इन्फिनिटी से जो रे आ रही होगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, टप्पा खाने के बाद में दोनों रे जो है वो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी, तो इसकी इमेज यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही होगी, ऑब्जेक्ट है आपके पास इन्फिनिटी पे, इमेज आपके पास बनती हुई दिखाई दे रही होगी कहाँ पे, फोकस पे, अच्छा भाई बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अपन वैसे करने वाले क्या हैं, अपन बातें करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर बातें करने वाले हैं अपन इमेज के बारे में, और फिर अपन बात करने वाले हैं इमेज के नेचर के बारे में कि कैसी इमेज बनेगी। पहले अपन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, अच्छा भाई साहब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है आपका, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यू इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि काम की रेज आपके जा रही है ऐसे ऐसे है कि नहीं है, मतलब जो ऐसी इंसिडेंट रेज आ रही है तो यू आपके लिए पोल से मेजर करेंगे क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। इमेज कहाँ बनी है आपके पास, जो वी यानी इमेज जो बनी है आपके पास वो कहाँ बनी है, वो आपकी बनी है माइनस एफ पे यानी फोकस पे आके आपके पास इमेज बन गई। अच्छा कैसी इमेज बनी है तो आप बोलेंगे पॉइंट इमेज। अच्छा कोई आपसे बोले कि यार रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, कैसी है रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, तो आप बोलेंगे रियल इमेज है, कैसा इमेज है रियल इमेज है। अच्छा भाई साहब काय को ऐसा बोले क्योंकि वास्तव में यहाँ पे दो रे के इंटरसेक्शन से अपने को इमेज बनती हुई दिखाई दे रही। अच्छा कोई आपको बोले कि ऑब्जेक्ट हुआ कैसा है, मतलब रियल है कि वर्चुअल है, भाई साहब रियल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट है क्योंकि यू नेगेटिव है और साइन यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अच्छा भाई साहब ये तो बोले बहुत आसान था, ये तो टेंथ में ही जानते थे भाई, नया क्या सिखा है वो, मैंने कहा हाँ बहुत सारी बातें अपन पहले की जानते हैं, अपन पास धीरे धीरे उसकी पूरी पीएचडी जो है करते हुए जा रहे हैं। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं, मान लीजिए कि भाई ये अपना फोकस हो गया है, ये अपना सेंटर हो गया है, इस बार हमने जो है ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दिया, ओहो इमेज के लिए अपन इसमें एक रेखा सीधी लेके जा रहे हैं जो टप्पा खाने के बाद फोकस से पास हो रही है, और एक और रेखा जो मान लीजिए कि अपन ने फोकस से पास करवा दी है ऐसे, वो टप्पा खाने के बाद में कैसी हो रही है हॉरिजॉन्टल हो रही है, और इन दोनों की मुलाकात यहाँ पे हुई, ओहो ये ऑब्जेक्ट था तो ये क्या बन गई इमेज बन गई। ओहो अगर आप ध्यान से देखें तो यू की वैल्यू थी आपके पास, यू की वैल्यू थी आपके पास माइनस ऑफ टू एफ थी ना, क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ था आर के बराबर थी, माइनस में काय को बोल रहा हूँ मैं विद साइन बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में अपना माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ है उधर, तो यू की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी। ओहो जो ऑब्जेक्ट रखा था कैसा ऑब्जेक्ट था रियल ऑब्जेक्ट था, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, कैसे पता लगा यू नेगेटिव तो रियल ऑब्जेक्ट की बात पहले कर चुके ना अपन, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अगर आप ध्यान से देखें जो आपकी इमेज बनी है वो आपके पास वो भी माइनस टू एफ पे बनी है, क्या बोलते हो है कि नहीं है। अच्छा इमेज की नेचर के बारे में बात करते हैं, क्या वो पॉइंट साइज की इमेज है, मैंने कहा नहीं सेम साइज की इमेज बनी है, कौन से साइज की है
सेम साइज की। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। और क्या बातें हैं इनका, वो इन्वर्टेड है। कैसी है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट था तो इस बार क्या हुआ है, नीचे हो गया। अच्छा, एम की मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 आएगी, आएगी ना लाला, हाइट दोनों के बराबर हो, लेकिन -1 आएगी। इनफैक्ट -1 क्या बता रहा होगा कि इन्वर्टेड, मैग्नीट्यूड 1 और -1 बता रहा होगा कि भाई वो इन्वर्टेड बन। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। कैसी इमेज है, रियल है कि वर्चुअल है? रियल इमेज बनती हुई दिखाई थी, छोटी छोटी बातें हो गई क्या? ओह बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। लोग बोलेंगे तो बहुत ही आसान है, हमने बहुत पहले से ही जानते हैं। मैंने कहा अगर अगर अपन ये ऐसा कुछ करें कि ये जो है तीसरा वाला केस लेते हैं, इस बार क्या करते हैं कि ये अपना फोकस हो गया, ये अपना सेंटर हो गया। इस बार जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पहले इंफिनिटी पे बात कर चुके हैं, सी पे बात कर चुके हैं। मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पे कहीं है, कहाँ पे कहीं है, मैंने कहा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो माइनस इंफिनिटी और सी के बीच में कहीं रखा हुआ है, तो उसकी इमेज आपको कहां बनती हुई दिखाई देगी, हमें ये पता करना। चलिए भाई साहब, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, हो बहुत बढ़िया। तो एक रे जो सीधी आई ऐसे टप्पा खाने के बाद कहां से पास हो रही है, फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा भाई साहब, एक रे को अपन ने ऐसा कर दिया कि मान लीजिए फोकस से पास हो रही है, ऐसे आ रही है, ओहो, ये टप्पा खाने के बाद कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। इनका इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये अपने को क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपने को यहाँ पे इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओ अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट जो है आपका, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो माइनस इंफिनिटी से लेके किसके बीच में है, माइनस टू एफ के। माइनस इंफिनिटी और माइनस टू एफ में बड़ा कौन है, माइनस टू एफ है ना, माइनस पांच और माइनस चार है, माइनस चार बड़ा होता है, पता माइनस इंफिनिटी है, माइनस टू एफ, माइनस टू एफ। अगर ऑब्जेक्ट आपका माइनस इंफिनिटी से लेके यानी सी यानी माइनस टू एफ यानी कि आर मतलब माइनस आर, तो इसके बीच में होगा, तो इमेज आपकी बनती हुई दिखाई दे रही होगी। आपके पास जो इमेज बनेगी, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो आपके पास जो इमेज बन रही है वो अगर माइनस इंफिनिटी पे है तो फोकस में बन रही है, और अगर आप चलते चलते सी पे आ रहे हो तो वो सी पे बन जा रही है। तो इमेज जो है आपकी बनती हुई दिखाई दे रही होगी बेसिकली, मतलब जो है आपके पास फोकस और सी के बीच में बन रही होगी, कहां पे सी और यानी एफ और माइनस टू एफ के बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो ये जो है माइनस टू एफ और एफ के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। कैसा कैसा इमेज है भाई साहब, कमेंट कीजिए। क्या रियल इमेज है, मैंने कहा। क्या इन्वर्टेड है, मैंने कहा। ओहो, क्या स्मॉलर है, मैंने कहा हाँ। कैसा इमेज है, स्मॉलर है, इन्वर्टेड है, यानी एम की वैल्यू 1 से कम होगी, नेगेटिव में भी होगी, और वो रियल इमेज है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से सोचो तो आप ये पाएंगे कि इस पर्टिकुलर केस में आप जो है ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपकी इधर इंफिनिटी हो गई। तो जैसे जैसे आप जो है इंफिनिटी से सी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इंफिनिटी से सी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इमेज जो आपकी है, इमेज जो आपकी है वो मतलब अगर आप सी पे होंगे तो इमेज कहां पे होगी, सी पे होगी, है ना। और अगर आप इंफिनिटी पे होते तो आपकी इमेज कहां पे होती, एफ पे होती। तो माहौल कुछ ऐसा है कि नहीं यार, इमेज आपकी जो है वो ऐसे जा रही है। अगर आप इंफिनिटी पे होते तो इमेज फोकस पे होती, आप धीरे 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 पास में आ रहे हैं, इमेज धीरे 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 बड़ी हो रही है, और यहाँ पे जो है दोनों की साइज बराबर हो जाए कि आपके भेजे में ये बातें उतर गई। उनका बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गोली की रफ्तार से क्या आगे बढ़ ले। इनका लोग बोले ये सब देख क्यों रहे, मैंने कहा ये सब जो पहला टाइप का मिरर है उसके बारे में अपन डेप्थ में पता कर रहे हैं, आगे वाले तू खुद पता करेगा, क्योंकि ऐसे बहुत रायता लंबा होने वाला है, इसलिए तू आगे के लेंसेज वगैरह में तू खुद ही पता कर लेगा, तू बहुत समझदार है, धीरे धीरे तू समझ जाएगा कि करना क्या है। बहुत ज्यादा फील के लिए अपन जो है इसको कर रहे हैं। तो पहले तीन केस तेरे भेजे में समझ में आ गए कि भाई साहब पता, अच्छा बढ़िया लगा अपने को। अच्छा और क्या करेंगे, मैंने कहा अब और देखते हैं जरा ध्यान से। अभी अपन जो है माइनस इंफिनिटी से लेके सी तक आ गए, चौथे केस की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए चौथे केस के लिए देखते हैं। मान लीजिए इस बार क्या हो रहा है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, आप चलते चलते सेंटर पे आ गए। अब आपका मन हो रहा है कि आप जो है सेंटर से देखिए फोकस के बीच में कहीं चले। अच्छा भाई साहब, मान लो कि कहीं बीच में हमने ऑब्जेक्ट को झंडे गाड़ दिए, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वहां पे रख दिया। ओहो, हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी इमेज कहां बन रही है। अपने को तुरंत जो है इमेज बनाने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगी, मतलब दो जो है रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, यानी दो रे की जरूरत पड़ेगी, तुरंत अपने को जो है इमेज बनती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो एक अपने पैरेलल मान लीजिए टप्पा खाने के बाद में फोकस से जा रही होगी ऐसे। अच्छा भाई साहब अच्छा लगा अपने को। और एक जो है अपन ने यहाँ पे पोल पे गिरा दी मान लो, तो ये भी टप्पा खाने के बाद में सेम एंगल से इधर जा रही होगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
सेम होगा। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इमेज आपको इधर बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, इमेज। अब हम लाल पेन यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखता नहीं है, तो सब ब्लैक ब्लैक ही होगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपको इमेज बनती हुई दिखाई दे क्या? हाँ। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो मान लो कि अपन ओ के बारे में कमेंट कर रहे हैं, आई के बारे में कमेंट कर रहे हैं, वो मतलब ऑब्जेक्ट आई फॉर इमेज, और इधर क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज के बारे में अपन छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। कैसा ऑब्जेक्ट है लाला, क्या रियल ऑब्जेक्ट है? मैंने कहा हाँ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसके बीच में? ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है एफ और टू एफ के बीच में, है ना। अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट इज लेस देन, मतलब ये जो है -2f, माइनस काय को बोल रहे हैं, तेरे को समझ में आ रहा है। तो इमेज क्या बन रही है? अगर आप ध्यान से देखें तो एक छोटी सी चीज आपको समझ में आ रही होगी कि इमेज जो है आपके पास सी के इधर बन रही, किधर बन रही है? सी के उधर बन रही है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अपन जो है इधर की तरफ जा रहे हैं, किधर की तरफ जा रहे हैं? फोकस की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? फोकस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं चाहता हूं कि भाई फोकस की तरफ जा रहे हैं ना, थोड़ा देखते हैं कि भाई क्या होगा, जैसे जैसे अपन फोकस पे जाएंगे तो क्या होगा। जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं, मैं ये देख पा रहा हूं कि इमेज जो है बड़ी होती जा रही है, और इमेज जो है, मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, इमेज बड़ी होती जा रही है और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैंने कहा मैं फोकस की तरफ जा रहा हूँ, मैं फोकस पे पहुंचा नहीं हूँ, मान लीजिए। अच्छा भाई साहब, तो मेरे लिए जो इमेज है वो बेसिकली वेरी कर रही है, इधर की तरफ जा रही है। कितनी इधर की तरफ जा रही है मैं उसको देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जस्ट एफ पे पहुंचूंगा किधर जाएगी। अरे भाई एफ, मैं यहां से सी से स्टार्ट होकर एफ की तरफ जा रहा हूँ, मैं जस्ट एफ पे पहुंचूंगा तब इमेज कहाँ होगी, क्या मुझे ये पता करना चाहिए? मैंने कहा ये थोड़ा पता करते पहले, फिर अपन फिर। अब अगर अपन ध्यान से देखें, माना कि मैं ऐसे समझने के लिए बात करते हैं, माना कि ये अपना कॉन्केव मिरर हो गया। आप क्या कर रहे हैं कि एफ के पास में आ रहे हैं, एफ के पास में आ रहे हैं, इधर से अपने ऑब्जेक्ट को लेके। आप जानना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे इमेज किधर जा रही है। मान लीजिए कि ये वाले मिरर का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, क्या है 20 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, है ना। और आपने जो है इस यहां पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि यहां से कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे। अच्छा, तो यू की वैल्यू क्या होगी तेरे लिए? यू की वैल्यू होगी -x। तू जानता है कि 1 बाई u + 1 बाई v प्लस ये हो जाएगा 1 बाई f के बराबर, यानी 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई, और u की वैल्यू -x, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, और प्लस 1 बाई f, और 1 बाई f की वैल्यू क्या होगा, 20 की -20, ये क्या हो जाएगा -20। तो ये प्लस वाला जो खेला होगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, तो 1 बाई x -1 बाई 20 सेंटीमीटर आगे। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं जैसे 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 फोकस की तरफ जा रहा हूं, मतलब मैं इस साइड से फोकस की तरफ जा रहा हूं, तो एक्स की वैल्यू जो है, अगर आप ध्यान से देखें एक बार, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे फील के लिए थोड़ी सी बातें कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू को डाल रहा हूं 20.000000, अनंत जीरो के बाद में 1, यानी यहां 20 सेंटीमीटर तक क्या आपका एफ हो गया। मैं 20.00001 इधर से जस्ट एफ पे जा रहा, मैं चेक करना चाह रहा हूं कि इमेज किधर जा रही है, इमेज किधर जा रही। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें कि मैं 20.... को यहां डाल दूंगा, कहां डाल दूंगा, यहां डाल दूंगा, तो आप ध्यान से देखें तो आप ये पा रहे होंगे कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी में बड़ी कौन सी वाली क्वांटिटी होगी। 1 अपॉन ये कर दिया मैंने, और 1 अपॉन 20 है, तो बड़ी बड़ी कौन सी वाली क्वांटिटी हुई, ये वाली क्वांटिटी हुई ना, ये मतलब ये वाली 1 बाई 20, और ये 1 बाई 20 point something something something, तो ये क्वांटिटी बड़ी हुई, तो ये 1 बाई ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी कंपेयर टू 1 बाई 20 ये। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, है कि नहीं है? अगर वो नेगेटिव आएगा कितना आएगा, -0.00001, इतना इनफाइनाइट जीरो के बाद में 1 आएगा। तो क्या जब मैं एक्स को यहां ले जा रहा हूंगा तो वी जो होगा वो मेरा माइनस इंफिनिटी की तरफ ट्रेंड कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? अरे भाई, वी को अगर मैं इंफिनिटी डालूंगा तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो आना चाहिए, वो आ क्या रहा है, -0.00001। इसका मतलब जो है वो वी क्या है, वी है बेसिकली
जो है आपका माइनस ऑफ इंफिनिटी, वन बाई इंफिनिटी करते तो जीरो की जीरो आता, लेकिन वो जीरो नहीं है, माइनस ऑफ 0.0001 है, तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब हम क्या समझे कि अगर हम f के पास जाएंगे इस साइड से तो इमेज जो है वो इंफिनिटी की तरफ जाएगी, लेकिन कौन सा वाला इंफिनिटी, माइनस। अच्छा लोग बोलेंगे और भाई और क्या हो सकता, मैंने कहा जरा ध्यान से देख, तू इधर से भी तो आ सकता है ना यार, इसी वाले में तू और सीध देख, समझ ऐसे। अच्छा तू बोलो काहे परेशान कर रहे हो, सीधा बता तो मुद्दे की बात की। अरे समझ रहे हैं, बाकी अगर तू मैथ्स का छात्र है तो तेरे लिए ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है, तू लिमिट नाम का चैप्टर जानता है कि भाई कोई वैल्यू इधर से भी अप्रोच करो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से टाइम पास करते हैं कि वो फंक्शन की वैल्यू किधर की तरह जा रही है। तो हमने जो है हम पहले इस साइड से एफ के ऊपर गए, मतलब बहुत अच्छा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक्स की वैल्यू डालू 19.9999 अनंत 9, मतलब बहुत खूब सारे 9, तो मैं क्या f पे इस साइड से आ रहा हूं, मैंने कहा उल। अब अगर तू ध्यान से देख 1/19.9999 -1/20 तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो क्या ये वाली क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, तो ओवरऑल आंसर क्या पॉजिटिव आएगा, कितना पॉजिटिव आएगा, 0.0000, खूब जीरो, अनंत जीरो, सात पीढ़ियों तक गिनता रहे उतने के बाद में जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये 1/∞ है या 1/-∞, तो बोलेगा भाई साहब पॉजिटिव में आ रहा है तो 1/∞ है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि ये जो f है इसमें थोड़ा सा भी f से आगे पहुंच जाएं या इधर से आएं तो आपका जो इमेज है वो जो है प्लस इंफिनिटी की तरफ चला गया। x आपका अगर ऐसा हो तो इमेज आपका प्लस इंफिनिटी की तरफ गया। तो आपको एक बात समझ में आई कि यार भाई साहब भाई साहब भाई साहब सेंटर पे थे तो एक बात समझ में आई कि अगर अपन इन माइनस इंफिनिटी पे थे तो इमेज बन रही थी फोकस पे, जैसे जैसे हम लोग जो है सेंटर की तरफ आए तो इमेज फोकस से शिफ्ट होती होती सेंटर पे आ गई, जैसे ही मैं सेंटर से इधर बढ़ने लगा इमेज उधर बढ़ने लगी, उधर बढ़ने लगी। अगर मैं फोकस पे पहुंच गया, वो फोकस पे पहुंचा, जस्ट फोकस से थोड़ा सा इधर की तरफ रहा, यानी इस राइट हैंड साइड में, यानी कि 20 point something में, तो इमेज उधर की तरफ बढ़ते 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 माइनस इंफिनिटी पे पहुंच गई। लेकिन जैसे ही मैंने एफ को क्रॉस किया, थोड़ा सा पास में इधर लेफ्ट वाली साइड में आ गया, अब इमेज कहां पहुंच गई, देख जरा, प्लस इंफिनिटी, यानी उधर से घूम के इधर आ गई भाई साहब, प्लस इंफिनिटी पे पहुंच गई। अरे यार छोटी चीज मास्टर यहाँ पे तेरे को समझाना चाह रहा है बहुत अच्छे से गणित से कि भाई लिमिट लिमिट की कोई बात भी, परेशान होने की कोई खास जरूरत नहीं है, तो भी समझ जाएगा। तो ये समझ गया कि ओ हो अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया है, ऑब्जेक्ट को अगर आपने रख दिया है मान लीजिए कि भाई -2f से -f के बीच में, तो आपकी जो इमेज बन रही होगी वो आपके पास बन रही होगी -2f से लेके माइनस इंफिनिटी के बीच में, कहाँ पे -2f से लेके माइनस इंफिनिटी के बीच में, है ना। तो ये वाले केस में माइनस इंफिनिटी और -2f कौन बड़ा होगा, अरे यहाँ की नहीं है, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, अपन जो है f पे पहुंचे नहीं, f की जस्ट इधर की, अरे इंक्लूडेड नहीं है ना ये वाला, तो इक्वल टू नहीं है, मतलब इसका मतलब f से जस्ट इस साइड रह गए हैं, तो इमेज आपकी कहां पहुंच गई है, माइनस इंफिनिटी पे। अच्छा भाई साहब कैसी इमेज बन रही है जरा बताएं, क्या रियल इमेज है, मैंने कहा हाँ, क्या इन्वर्टेड है, मैंने कहा हाँ, क्या लार्जर इमेज बन रही है, मैंने कहा मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, लेकिन उल्टी बन रही है, लेकिन मैग्नीफाइड इमेज अपने को प्राप्त हो रही है, अपने को काफी अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया भाई साहब, ओह बहुत शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें, मान लो कि अपन जो है इस वाले ऑब्जेक्ट को एफ पे रख देते, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते, ये कौन सा वाला केस था, फोर्थ वाला था, अब हम समझ भी गए कि भाई इसके जस्ट बाद में क्या होने वाला है, तो इसको मिटा देते हैं, ये स्टोरी समझ में आ गई क्या, ये समझ में आ गया कि एफ के थोड़ा सा इधर भी रहेंगे, बहुत थोड़ा, कितना थोड़ा, 0.000 अनंत जीरो के बाद इतना छोटा, अगर हम इधर की तरफ रहेंगे तो माइनस इंफिनिटी, और अगर उधर की तरफ रहेंगे तो प्लस इंफिनिटी पे पहुंच जाएंगे भाई साहब। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो आगे की तरफ अपन बातें करना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं। मान लो कि मैंने क्या किया, चौथा हो गया पांचवें पे रखता, ऐसे ही बिल की बातें कर रहे हैं ताकि अपन ग्राफ राफ बनाएंगे तब समझ में आए अच्छे से, बाकी परेशान होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ये फोकस हो गया अपने पास, ये अपना सेंटर हो गया, लोग बोले भाई साहब मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पे रख दिया तो अब क्या होगा, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रे जो है वो आपके पास सीधी यहाँ पे लेके चले जाइएगा, क्योंकि कहाँ जाएगी, क्योंकि जाएगी ऐसे, और दूसरी रे को आप ऐसे लेके चले जाइए, ये भी जाएगी ऐसे, कहाँ बनेगी इमेज,
इन्फिनिटी पे इमेज बनती हुई दिखाई दे रही। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आप कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। अच्छा भाई साहब, रियल ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा हुआ है? मैंने कहा ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है हमारे लिए, यू की वैल्यू हो गई है माइनस एफ पे। कहाँ रखा हुआ है? माइनस एफ पे। इमेज कहाँ बन रही है आपके पास? इमेज बन रही है माइनस इंफिनिटी पे। अच्छा भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अच्छा लगा। अब क्या इसके उधर चले जाएं थोड़े से? मैंने कहा अब कौन से वाले केस की बात करेंगे अपन? सिक्स वाले केस की बात करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं अपन? इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो अपना फोकस हो गया है, ये अपना सेंटर हो गया है। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया है। अपन जानते हैं कि जैसे ही फोकस के जस्ट इधर की तरफ आए होंगे, इमेज 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 अब कहां? प्लस इंफिनिटी से स्टार्ट हुई होगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इनके बीच में रख दिया, मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। चेक करते हैं कि एक रे ऐसे आई, टप्पा खा के कहाँ से जाएगी? उनका ये फोकस से जाएगी, बहुत बढ़िया। एक रे ऐसे आई, बहुत शानदार, टप्पा खा के किधर जाएगी? इधर जाएगी। ओ हो, ये क्या हुआ? ये तो खेला पीछे की तरफ जा रहा है। मैंने कहा पीछे की तरफ जा रहा है ना, टिक 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 टिक, तो क्या ऐसी इमेज प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही? मैंने कहा हाँ। ओहो, बहुत बढ़िया, ये क्या हुआ? अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ से कहाँ के बीच में रख रहे हैं? अच्छा, पोल पे रखते हैं तो क्या होगा? जस्ट यहाँ पोल पे, पोल प्लेन मिरर है, पोल तो ऐसे प्लेन मिरर, तो वहीं पे इमेज बनेगी ना। तो अगर आप पोल पे रखेंगे तो उसकी इमेज ही पोल पे बन जाएगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो आप क्या कर रहे हैं? अपने ऑब्जेक्ट को एफ और पोल के बीच में रख रहे हैं, है ना? यानी कि जो है पोल से लेके माइनस एफ के बीच में रख रहे हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तब आपकी जो इमेज है वो उधर की तरफ बन रही है। कहां बन रही है? उधर की तरफ बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। जब आप जस्ट फोकस पे रख रहे होंगे, फोकस पे, तो इमेज कहां बनी होगी? प्लस इंफिनिटी से। और जब आप पोल पे रखा होगा तब आपकी इमेज कहां बनी होगी? मैंने कहा पोल पे, है कि नहीं यार? ओहो, बहुत बढ़िया। तो आपकी जो इमेज है वो प्लस इंफिनिटी से लेके कहां तक बन रही है? पोल के बीच में। अगर आप पोल पे रखोगे तो इमेज पोल पे बनेगी। अगर आप फोकस पे रखोगे, जस्ट फोकस है थोड़ा सा इधर 19 पॉइंट, तब आपकी इमेज प्लस इंफिनिटी से टप्पा खाती हुई, माइनस इंफिनिटी से आती घूम के इधर से आती हुई दिखाई देगी। यानी कुल मिला के आप स्टोरी को ये समझ रहे होंगे। अच्छा भाई, थोड़ी सी ऐसी बातें कर लेते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। अच्छा, कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। अभी तक सारे ऑब्जेक्ट रियल थे, यू नेगेटिव था। अच्छा भाई साहब, अच्छा बहुत बढ़िया। अब जो यहाँ इमेज बन रही है, कैसी इमेज है? तुरंत बोलेंगे साहब वर्चुअल इमेज है। क्या इरेक्ट है? मैंने कहा क्या मैग्नीफाइड है? मैंने कहा लार्जर इमेज बनती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन क्या इस इमेज को कभी स्क्रीन पे लाया जा सकता? तो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक वर्चुअल इमेज है। अच्छा लगा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तेरे भेजे में ये बात समझ में आ गई कि यार मतलब ऐसा है कि अगर अपन मान लीजिए कि ये फोकस है, ये पोल है, अपने ऑब्जेक्ट को पोल फोकस से लेके पोल की तरफ आए, किसको? ऑब्जेक्ट को, तो हमारी जो इमेज है, हमारी इमेज जो है वो मतलब कहां से आएगी? मैंने कहा वो माइनस प्लस इंफिनिटी से। यानी ये जो है इमेज आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है? प्लस इंफिनिटी। तुम जब एफ के थोड़ा सा इधर थे तो ये इमेज जो है वो प्लस इंफिनिटी पे थी। तुम चलते चलते जब पोल पे आ गए होंगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों मिल गए होंगे। कैसी इमेज है लगला? वर्चुअल इमेज। क्या बड़ी इमेज है? मैंने कहा हाँ। क्या ये बात तेरे भेजे में उतर गई है? क्या ये बात समझ में आ गई कि वो एफ पे थोड़ा गड़बड़ी होता है? एफ से थोड़ा इधर उधर, एफ के थोड़ा इधर होते ही माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी चला जाता। हालांकि अपन आगे ग्राफ वराफ बनाएंगे, परेशान होने की कोई खास जरूरत नहीं है। बाकी लिमिट विमिट आपने कभी जिंदगी में थोड़ा सा भी देखा है तो ये बहुत आसान सा आपको लगेगा। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। अभी तक जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो पोल के इस साइड में रखा हुआ था, यानी ऑब्जेक्ट के लिए जो यू था वो क्या था? यू नेगेटिव था। यू नेगेटिव था तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा था? ऑब्जेक्ट आपके पास रियल ऑब्जेक्ट था। लोग बोलेंगे कि उधर नहीं रख सकते ऑब्जेक्ट? मैंने कहा रख सकते भाई साहब, लेकिन फिर ऑब्जेक्ट आपका रियल नहीं होगा। आओ लास्ट एंड फाइनल जो है ये पांचवा हो गया, छठवा हो गया, सातवा केस टाइम पास करते हैं। सातवा केस देखते आओ, देखते हैं सातवें केस में मैं क्या कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखें, ये अपन सातवा केस ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये अपना फोकस हो गया, ये अपना सेंटर हो गया। ओहो, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लिया। ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे ले लिया। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा। मान लो कि यहाँ पे एक्स दूरी पे ले लिया, कहाँ से?
कुछ लोग इमोशनल हो जाएंगे, उधर ऑब्जेक्ट कैसे ले सकते हैं? अबे ले सकते हैं, रियल थोड़ी है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अच्छा वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है ना, एक इमेज जो थी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। रीज कैसे होती हुई दिखाई देनी चाहिए? डाइवर्स की कन्वर्ज, कन्वर्ज होती हुई दिखाई देनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। जिसमें अगर डाइवर्ज हो रही है तो कैसा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर टप्पा खाकर ऐसे जा रही है, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट है। और रेज अगर ऐसे आ रही है तो इसका मतलब वो कैसा ऑब्जेक्ट है, वो आपका जो है वो आपका है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई साहब, तो इस वाले केस में फिर रेज कैसे आ रही होगी? रेज कुछ ऐसे आ रही होगी, ये जो रेज है वो यहां से आती हुई प्रतीत हो रही होगी, यानी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रेज यहाँ कन्वर्ट। अच्छा भाई साहब, फिर ये टप्पा खाने के बाद में किधर जाएगी? मैंने कहा आइए पता करते ही, माना कि इसका फोकल लेंथ, माना कि इसका फोकल लेंथ एफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया भाई साहब, एफ की वैल्यू कुछ भी रख लो, मान लो कि 20 सेंटीमीटर है, फिर लेते हैं जरा देखते हैं क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखें तो इस वाले केस में यू की वैल्यू, ये मेरी जो है ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव थी, पोल से आप ओ को मेजर करेंगे तो यू प्लस आएगा कि माइनस? प्लस एक्स आ जाएगा। अच्छा भाई साहब, और एफ की वैल्यू क्या है? एफ की वैल्यू मेरे लिए -20 है, 1/f इज इक्वल 1/v इज इक्वल 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये 1/v जो है वो माइनस ऑफ 1/u हो गया है, वो यानी -1/x आ जाएगा, और ये -1/20 आ जाएगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर मैं बोलूं कि x को 0 डाल दूं, यदि यदि x 0 हो तो v के साथ क्या होगा? v के साथ क्या होगा अगर मैं x को 0 डाल दूं? यहां पे x को 0 डाल दूं, x को 0 डाल दूं, तो भाई साहब फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या v को 0 होना चाहिए? मैंने कहा एक्स को अगर 0 डाल देंगे तो इन्फिनिटी वो बनता हुआ दिखाई दे, वो तभी हो सकता है जब की वैल्यू 0 हो। यानी ये आप जो है पोल पे रखा होगा, तो भाई साहब फिर मतलब ऑब्जेक्ट को पोल पे रखोगे तो इमेज भी तो पोल पे ही बनेगी ना यार। ओहो, और बाकी एक्स की कोई सी भी 0 से बड़ी वैल्यू यानी उस साइड आप रखोगे तो क्या ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी? मैंने कहा ये नेगेटिव, और एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप रखोगे तो भी हमेशा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये दिखाई दे, ये हमें समझ में आ रहा है कि ये जो v है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, v हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब इमेज पक्की इस साइड बनेगी। क्या बोलते हो, है कि नहीं है? अच्छा भाई साहब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। टप्पा खाने के बाद में जी मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में ये रेज ऐसे आती हुई यहाँ प्रतीत होगी, यहाँ आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा भाई साहब, इसका मतलब इमेज इस साइड बनेगी। ओहो, अगर एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो उस वाले केस में वी नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। तो एक्स की वैल्यू 0 हो तो वी की वैल्यू 0, अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, क्या हो गई? प्लस इन्फिनिटी। अरे उधर की तरफ तो प्लस ही होगा ना यार, एक्स 0 ऐसा करते करते तू कहाँ पहुंच गया? इन्फिनिटी भी पहुंच गया। इधर जो है एक्स माइनस इन्फिनिटी, उधर प्लस इन्फिनिटी, माइनस प्लस। अच्छा, क्योंकि पोल से तू है जो है काम ई वाली वे की डायरेक्शन में मेजर कर रहा होगा। अगर तू प्लस इंफिनिटी डालेगा, अगर तू प्लस इंफिनिटी डालेगा तो ये आइटम खत्म हो जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ, अभी 1/(1)∞ 0 हो गया। क्या ये -1/(20) आ रहा है? क्या ये इसका मतलब क्या है? v की वैल्यू -20, यानी कि v की वैल्यू -20 यानी कि f के बराबर, v की वैल्यू -f हो जाएगी। अरे -20 मतलब -f के बराबर। ओ, इसका मतलब तू क्या समझा? तू ये समझा भाई साहब कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को पोल पे रखोगे तो इमेज पोल पे रहेगी, ऑब्जेक्ट को उधर लेके जाओगे और उधर लेते लेते कहाँ लेके जाले जाओ? इन्फिनिटी पे। तो आपकी इमेज शिफ्ट होती होती माइनस एफ पे आ जाएगी। इमेज शिफ्ट होती होती कहाँ आ जाएगी? माइनस एफ पे। ओ, मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर से, अगर मैं उल्टी बात करूं कि प्लस इन्फिनिटी से आप पोल की तरफ आओ तो आपकी जो इमेज थी, अगर आप पोल पे होंगे तो इमेज भी पोल पे होगी, और अगर आप यहाँ होंगे तो आपकी जो इमेज है यानी कि आपके जो ऑब्जेक्ट आपका अगर इधर से इधर जा रहा, मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर आप पोल से इधर की तरफ लेके जा रहे होंगे तो इमेज आपकी इधर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ये कौन है? ये इमेज है। ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट है। कैसी इमेज है? रियल इमेज है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अच्छा भाई साहब बहुत ही बहुत बहुत ही बेहतरीन। जब आप प्लस इंफिनिटी पे जाओगे तो ये माइनस एफ पे यानी ये फोकस पे यहाँ पे आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी। तो क्या मैं यहाँ पे कमेंट कर पाऊंगा कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इमेज कैसा होगा? मैंने कहा बातें लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज और नेचर की बातें करते हैं। ऑब्जेक्ट इमेज कैसा ऑब्जेक्ट है भाई साहब? क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? अगर आप ऑब्जेक्ट को मान ऑब्जेक्ट को रख दीजिए आप कहां पे, पोल से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखेंगे, इमेज आपकी जो है
इमेज आपकी जो है पोल से लेके माइनस एफ के बीच में, यानी माइनस एफ से लेके पोल के बीच में आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी। अगर आप पोल पे होंगे तो इमेज भी पोल पे दिखाई देगी। किस तरह की इमेज बन रही है, तो आप बोलेंगे भाई साहब रियल इमेज बन रही है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते। कैसी इमेज है? रियल इमेज है। क्या इरेक्ट है? मैंने कहा क्या स्मॉलर है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या आपने कॉनकेव मिरर के बारे में सारी बातें कर ली? क्या कॉनकेव मिरर में माइनस इंफिनिटी से लेके ऑब्जेक्ट को अगर प्लस इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखोगे तो किस तरह की इमेज बनेगी, क्या आप सब बता पाएंगे? मैंने कहा तो क्या उस तरह के तमाम सवाल सॉल्व कर पाएंगे? क्या आप ये बता पाएंगे कि आपको कोई बोले कि कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ट्रू और फॉल्स? वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, तो बोलेगा हाँ भाई बना सकता है अगर आप इस कॉनकेव मिरर में फोकस यहां पे जब आपने रियल ऑब्जेक्ट बना था तो आपके पास वर्चुअल इमेज आई थी। ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ट्रू और फॉल्स? रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट तब था जब ऑब्जेक्ट यहां पे था, क्या उसकी रियल इमेज बनी थी इधर की तरफ? मैंने कहा यह लास्ट वाला केस, यस। ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ट्रू और फॉल्स? तो बोलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में जब भी तूने रखा है ऑब्जेक्ट को तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, लेकिन उसकी इमेज हमेशा रियल बनती है, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कभी भी कॉनकेव मिरर जो है वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी रियल इमेज ही बनेगी। तो इस तरह की तमाम सवाल जो है आप जो है बिल्कुल मतलब उसको अच्छे से किए रहेंगे, तुरंत कर लेंगे ताकि आपका टाइम बच जाए, आपको आंसर तक पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं हो। हमारा मकसद जो है ये सब पढ़ने का ही, क्योंकि ऐसे खूब सारे सवाल आपको मार्केट में दिखेंगे, ये मिरर कैन फॉर्म ये वाला ये, तो आप तुरंत कर पाएंगे, है ना। चलिए भाई साहब थोड़ा सा अपन इसको मतलब जो ग्राफ वगैरह बनाते हैं, थोड़ा और आसानी से अपन इसको समझते हैं, यानी इतनी सारी मेहनत की है इसकी ग्राफ वगैरह बना के उसको थोड़ा और अच्छे से विजुलाइज करते हैं। चलिए भाई साहब ग्राफ्स की बातें करते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए ग्राफ की बातें करते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, ग्राफ की अगर मैं बातें करूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, इसको मैं y एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं, इसको मैं x एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं, तो ये बन गया है y plus x is equal to c 1 by f, और f होगा नेगेटिव काइको की कॉनकेव मिरर है, तो ये जो है कार्यक्रम जो है आपके पास y is equal to y plus x is equal to c है ना, जो कि कैसा है नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो y is equal to minus x minus c, यानी मैं इस वाली क्वांटिटी को मतलब जो है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार। अब अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा तो अगर आप ध्यान से देखें, इधर मैंने 1 by v को रख दिया है और इधर क्या रख दिया है 1 by u को। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, और ये वाले ग्राफ का सी नेगेटिव होगा, सी कैसा होगा एक प्लस लिख ले भाई, लेकिन ये खुद ही है कैसा नेगेटिव है। अच्छा भाई सी अगर नेगेटिव है, सी अगर नेगेटिव है तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, स्लोप कितना होगा? मैंने कहा माइनस वन, तो आपके पास जो ग्राफ होगा वो ऐसा आता हुआ दिखाई देगा, यानी इस तरह का ग्राफ होगा, टिक 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 टिक, ऐसा ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा, किसका? 1 by v versus 1 by u का, ये जो कर्व है वो आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, लोग बोलेंगे इससे अपन कुछ बता सकते हैं? मैंने कहा इसमें बहुत सारी बातें बता सकते हैं, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि अगर f प्लस हो f माइनस हो तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर है, इसका मतलब कॉनकेव मिरर है। अच्छा u प्लस माइनस v प्लस माइनस, अच्छा u प्लस वर्चुअल ऑब्जेक्ट, u नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज कैसी इमेज? रियल इमेज। अरे आ गई नहीं यार, ओहो बहुत बढ़िया, ये बातें अपन पहले ही कर चुके हैं ना पहले, कि अपन तुरंत ये बता पाएंगे। ओ ले यहाँ 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 पे देख, ये वाले क्वाड्रेंट में देख 1 by v, ये 1 by v यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इसका मतलब v पॉजिटिव होगा, u यहाँ पे कैसा होगा नेगेटिव होगा, u नेगेटिव होगा इसका मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इस वाले रीजन में u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, और v पॉजिटिव मतलब उसकी वर्चुअल इमेज है, इसका मतलब जो कॉनकेव मिरर है वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। अरे बता सकते हैं? अगर ये ग्राफ बताओ तुरंत तुरंत बता सकते कि नहीं यार। अब जरा यहां से यहां पे देखें, यहां से लेके यहां पे देखें, यहां से लेके यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो v इस साइड में नेगेटिव होगा, u भी नेगेटिव होगा, v नेगेटिव, u नेगेटिव होने का मतलब रियल ऑब्जेक्ट है और v नेगेटिव होने का मतलब
रियल इमेज है। अच्छा, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बनाता है और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बनाता है। अरे बनाता है भाई, बनाता है ना, कि अगर आप जो है मिरर को ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, फोकस के इधर किधर भी रखिएगा आप ऑब्जेक्ट को, रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज बनेगी। लेकिन फोकस से लेके इसके बीच में रखोगे तो ऑब्जेक्ट तो रियल होगा लेकिन इमेज फिर वर्चुअल आपको बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा, यहां से लेके इधर की तरफ यू कैसा होगा, पॉजिटिव, और वी कैसा होगा, नेगेटिव। यू पॉजिटिव का मतलब कैसा ऑब्जेक्ट हो गया है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, और वी हमेशा यहां से लेके यहां तक वाले में यानी वाई एक्सिस नेगेटिव होगा, यानी कि कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनती हुई दिखाई देगी। यानी कि आपको बोले तो आप तमाम उस तरह के सवालों को कर पाएंगे कि कौन के मिरर कैन फॉर्म द रियल इमेज ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यस वर्चुअल, कौन के मिरर कैन नॉट कैन, कौन के मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मेरे कहा नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो एक ही बार था और उसकी हमेशा रियल इमेज ही बन रही है। तो इस तरह के तमाम जो सवाल होंगे आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, ओहो, क्या ग्राफ के, ग्राफ का खेला इतना ही है? मैंने कहा नहीं, एक और टाइम पास कर लेते हैं, 1/b vs 1/u का ग्राफ बनाते हैं, 1/b vs 1/u का। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए मान लीजिए कि मैंने इस एक्सिस पे डाल दिया है, थोड़ा सा सेंटर बना लेते हैं, ऐसी फील के लिए जो सारे अभी केस वेस देखे हैं ना उसे समझ में आएगा कि मान लीजिए ये इस एक्सिस में मैंने वी डाल दिया है और ये वाली एक्सिस में मैंने यू डाल दिया है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, टिक 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 टिक, देखिए क्या कर रहा ऐसे आएगा, थोड़ा सा बढ़िया नहीं बन रहा है ये टिक टिक टिक, फिर आएगा ऐसे। मास्टर अभी मर्जी से बना रहा है, मैंने कहा नहीं, अभी तेरे को पता आएगा कि तूने खुद ही पता किया है कि ऐसा ही आएगा। यहाँ कौन है V, यहाँ कौन है U, किधर जा रहा है प्लस इंफिनिटी, ये कहाँ जा रहा है प्लस इंफिनिटी, इधर कौन है माइनस इंफिनिटी, इधर कौन है माइनस इंफिनिटी। मतलब समझ गया क्या मैंने कहा, ये रहा तेरे लिए कॉनकेव मिरर, ओहो यहाँ कौन है यू, यहाँ माइनस, यहाँ कौन है प्लस, और यहाँ मतलब माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ कौन है टू, यहाँ की नहीं है, ये आपके लिए हो गया पॉजिटिव। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन बातों को समझते हैं कि जो बनाया क्या वो सही बनाया है, ऐसे बना लीजिए। अच्छा ये क्या बताया माइनस है और ये वाला क्या है माइनस है, यानी कि माइनस एफ कॉमा जीरो है ना और ये जीरो कॉमा माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को माइनस इंफिनिटी पे रख दिया, कहां पे रख दिया माइनस इंफिनिटी पे, तो आपके लिए जो इमेज बनती हुई दिखाई दे रही होगी वो आपके पास जो है माइनस एफ पे रख रही हो। हाँ आपने किया ही था, माइनस इंफिनिटी पे तो इमेज कहाँ बन रही होगी माइनस एफ। जैसे जैसे आप माइनस इंफिनिटी से पास की तरफ आ रहे हैं यानी माइनस इंफिनिटी से आप जो है सेंटर की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे इमेज जो होगी वो भी आपके पास मतलब जो है कहाँ आती हुई दिखाई देती है, वो धीरे धीरे मतलब जो है आप माइनस इंफिनिटी इमेज जो है आपके पास एफ पे होगी और धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी नेगेटिव में। जब आप एक बार ऐसा होगा कि आप होंगे C पे, यानी कि आपके पास U की वैल्यू क्या होगी माइनस टू एफ, तब V की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू एफ। आप उसके बाद थोड़ा और आगे की तरफ गए, आप जो है F से थोड़ा सा उधर की तरफ, किधर इधर की, यहां पे पहुंच जाएंगे, तब अगर आपको याद हो तो इमेज कहां पहुंच गई थी माइनस इंफिनिटी पे, जो ये जो कर्व है वो कहां पहुंच रहा है माइनस इंफिनिटी पे। और जैसे ही आप एफ के थोड़े से इधर आए कर्व ने फ्लिप मारा और वो कहां से स्टार्ट हुआ है प्लस इंफिनिटी से, देख जरा वी पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी पे, यानी तू यहां पे आते ही इमेज कहां पहुंच गई है इधर की तरफ पहुंच गई है प्लस इंफिनिटी, फिर तू इधर की तरफ गया इमेज इधर की तरफ गई, तू पोल पे गया इमेज भी पोल की तरफ आई, तू इधर की तरफ गया तो तेरे यू जो है नेगेटिव में कम होता गया तो इमेज जो है वो पोल की तरफ आती गई यानी वी की वैल्यू कम होती गई, फिर तू कहां गया तू इधर की तरफ गया तो यू कैसा हुआ पॉजिटिव होता गया, तू धीरे 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 पोल पे था तो इमेज भी पोल पे थी, तू इधर प्लस इंफिनिटी की तरफ पहुंच गया तो इमेज जो है तेरे पास
वो वी माइनस में, यानी इमेज जो है इस साइड में कहां पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, फोकस पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि वो सारे जो केस लिए हैं उसी से ये वाला प्लॉट बनाया जा सकता है। अच्छा भाई, ये एक्सिस पे वी है, ये एक्सिस पे कौन है, यू है, ये मतलब ये यू की वैल्यू माइनस एफ है और ये वाली वैल्यू ये। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है इंफॉर्मेशन, यानी ये माइनस इंफिनिटी से लेके यू की वैल्यू माइनस एफ के बीच में, अगर आप इसमें देखें तो यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, बी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, अरे थर्ड क्वाड्रेंट है ना यार, दोनों नेगेटिव होगी, यू भी नेगेटिव, यू यू नेगेटिव होने का मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, वी वी नेगेटिव होने का मतलब रियल इमेज है। अच्छा, रियल ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है, लाल दिखाई दे रहा है कि पता नहीं है। अच्छा, ये वाले रीजन में देखिए, जब आप यहां से लेके यहां तक आएंगे तो आपके पास यू नेगेटिव है, यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि रियल ऑब्जेक्ट है, और वी कैसा है, वी पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव का मतलब इमेज जो है वो इधर की तरफ बनी होगी, हाँ बनी थी, बड़ी बड़ी भी बनी थी, कैसी इमेज होगी, वी पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज होगी। अच्छा, इसके बाद में इधर 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 की तरफ यू पॉजिटिव, यानी कि आपके पास ऑब्जेक्ट कैसा हो गया था, ऑब्जेक्ट बन गया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इमेज आपके पास यू नेगेटिव, यानी इमेज इधर की तरफ बनी थी, और वो कैसी इमेज बनी थी सॉरी रियल इमेज बनी थी। ओहो, तो हमने जो पढ़ा है, जो केसेस सारे अपन ने 5-6-7 जो केसेस देखे हैं उसके हिसाब से अपन ये सारा जो है कार्यक्रम बना सकते हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब बहुत ही अच्छे से हमने इसको समझा। तो आगे आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर भी आएगा, फिर लेंस भी आएंगे, तो ना क्या आप अपने से इस तरह का खेला खेल सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो क्या मतलब ये एफ के आसपास किस तरह से ऐसे करेगा वो बताना, यहाँ पे काम आता है, ये देखता एफ पे तो माइनस इंफिनिटी होता है, ये इधर जाके उधर कहाँ से शुरू हुआ, तो लिमिट से तेरे को समझाया कि लल्ला थोड़ा सा इधर था तो माइनस इंफिनिटी, थोड़ा सा इधर आए तो प्लस इंफिनिटी से शुरू हुए। उम्मीद है कि ये तेरे भेजे में उतरा होगा, अगर बहुत अच्छे से उतरा होगा तो सवाल आराम से उतर जाएंगे, मतलब सही सही हो जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है भाई। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तू भी बहुत मेहनत कर रहा होगा तो मतलब सब कुछ सही हो जा रहा होगा, वरना एक तरफा प्यार से चीजें सही नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक आध सवाल देखते हैं। मान लीजिए तुमसे कोई पूछे, एक सवाल देखते हैं, जब कोई पूछे कि ये फोकस, ये सेंटर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो कि ऐसा ऑब्जेक्ट ए पी, आप बोले कि इसकी इमेज बनाओ, इमेज बनाओ, क्या बनाओ, इमेज बनाओ, बनाओ इमेज बनाओ अप्रोक्स, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल इमोशनल होने की जरूरत नहीं, अप्रोक्स अप्रोक्स बताओ कि इसकी इमेज कैसी हुई, ये पॉइंट नहीं है, लेंथ वाला ऑब्जेक्ट है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को ये बात समझ में आ रही है कि बिंदु ए जो है, बिंदु ए जो है वो फोकस और सेंटर के बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में, तो इसकी इमेज किधर बननी चाहिए, इसकी इमेज तो सेंटर के इधर बननी चाहिए, रियल इमेज बनेगी और बड़ी इमेज बने, हमको कुछ लग रहा है कि इस तरह से मतलब इधर कुछ बन जाएगा, है कि नहीं यार। और इसकी इमेज जो सी से इधर की तरफ है बी, तो इसकी इमेज जो इस वाले हाइट से भी कम बनेगी और सी से इस तरफ बनेगी, है कि नहीं यार, तो कहीं पे यहाँ पे मान लो मोटा मोटा। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ बी डैश बनता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे तुझे ए डैश बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस तरह की इमेज आएगी, कैसी आएगी, इस तरह की इमेज आएगी। एक मिनट, अप्रोक्स बना रहे हैं, परेशान होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, ये नीचे कैसे आया, जरा ध्यान से देखें। अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा कुछ ठीक नहीं बनाया क्या, हाँ ठीक बनाया ना, अच्छा बहुत बड़े क्योंकि ये जो है सी से इधर होगा ए, तो उसकी इमेज सी से पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी और इस तरह से, तो ठीक बनाया, इसमें कोई गलत गलत बात नहीं है। अरे ठीक है भाई, नींद का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। सी से इस तरफ बनाया तो उसकी इमेज इधर की तरफ बनेगी, बड़ी बनेगी, और सी से उधर वाले की इमेज इस तरफ बनेगी और छोटी बनेगी, तो इस वाले से छोटा मान लिए। रेडी है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ढंग का सवाल देखते हैं, ये तो बहुत ही चौंक किस्म का सवाल था। चलिए एक सवाल देखते हैं, मान लीजिए कि अपने पास एक कॉनकेव मिरर, क्या है, कॉनकेव मिरर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, ये रहा एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। सवाल में बोला है कि इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, कितने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, एक ऑब्जेक्ट है, पता नहीं कहां रखा हुआ है, वो तो पता करना है, लेकिन बात ये है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है, यानी साइज ऑफ इमेज,
साइज ऑफ इमेज इज डबल ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सवाल आपसे बोल रहा है कि इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज की डबल है, तो बताइए फाइंड दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, मतलब कहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा है? क्या आपके भेजे में सवाल उतर गया? आप बिल्कुल जो है यहाँ पे पॉज मारिए और पता कीजिए कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है। तेरे को क्या दिया सवाल में? तेरे को ये दिया कि साइज ऑफ जो इमेज है वो डबल है, किसकी? ऑब्जेक्ट की। क्या पता करना है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको पता करना है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। उम्मीद किया कि तू ट्राई करेगा, खुद से ट्राई करेगा, तू कर सकता है। अगर तेरे को ऐसा लगता है कि तू कर सकता है, फिर तू पक्का ही कर सकता है। चल ठीक है, ये तेरे को लगना चाहिए, है ना? चलिए ट्राई कर। तू ये देख कि ये इंफॉर्मेशन क्या दी, इमेज साइज ऑफ इमेज इज डबल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सोच थोड़ा सा, क्या स्टाइल मार के एम नहीं दिया? एम क्या था? मैंने कहा एम था height of image divided by height of object। double दिया है भाई साहब, यानी plus minus दो हो सकता है, दोनों किसे हो सकते हैं? नहीं ये थोड़ी बोल रही है भाई मतलब जो है erected है कि inverted है, तो दो केस हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ, एक केस ऐसा हो सकता है केस वन। कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है केस वन में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये फोकस हो गया, ये अपना सेंटर हो गया, उलो बहुत बढ़िया। अगर मैं मान लो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दूं, क्या रख दूं? ऑब्जेक्ट जिसकी आईडी क्या है, एच है। ओहो, तो इमेज कहाँ बनेगी? मैंने कहा इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी। ऐसा हो सकता है कि 2H की इमेज बन जाए? मैंने कहा हाँ। ओहो, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा कोई और भी काम हो सकते हैं? मैंने कहा हाँ। और कैसा हो सकता है? मैंने कहा वो केस सेकंड में देखते हैं। केस सेकंड में ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये फोकस हो, यहाँ पे मैं एच हाइट का ऑब्जेक्ट रख दूं, इमेज कहीं यहाँ पीछे की तरफ बन जाए 2H हाइट की, कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। हमको ये बोला ही नहीं है सवाल में कि वर्चुअल है कि रियल। ओहो, हमको यू पता करना है। तो अगर आपको ध्यान से देखें तो आप ये जानते हैं कि आपके इस वाले केस में हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय ये वैल्यू जो है प्लस माइनस 2 आपको दी हुई है। पहले इस वाले केस में क्या होगी? माइनस 2 होगी कि नहीं होगी? उल्टा हो गया है। तो m की वैल्यू जो है यहां पे हो गई है माइनस 2, और m की वैल्यू होती क्या है? माइनस ऑफ v बाय u। ओहो, इसका मतलब v इज इक्वल टू 2u है। बहुत बढ़िया भाई साहब, 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u। ओहो, 1 बाय 2u प्लस 1 बाय u, 1 अपॉन, अच्छा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम की कितना आ जाएगा? 2u आ जाएगा, 2u आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 आ जाएगा। अरे यहाँ भी नहीं यार, 2u एलसीएम के लिए, तो ये आ गया है 3 डिवाइडेड बाई 2u। अच्छा भाई साहब, क्या f की वैल्यू तुझे दी हुई है? मैंने कहा हाँ। कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2u इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 10। ओहो, बहुत बढ़िया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कट गया है 5, u की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? माइनस 15 सेंटीमीटर आ रही है। एक आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि आप जो है माइनस 15 का मतलब आप ये 10 हो गया, ये वाली दूरी कितनी होगी? 10। अच्छा ये पूरी कितनी होगी? 20। यानी कि जो फोकस और सेंटर के बीच में अगर आपने इसको यहाँ पे कहीं रख दिया होगा, ये वाली दूरी है आपके लिए 10 सेंटीमीटर, ये वाली है 20, तो यहाँ कहीं 15 पे आपने रख दिया होगा, तो इमेज इधर जाके बनी होगी, वैसे इमेज की दूरी 30 होगी, यानी यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। एक घंटे की बात समझ में आ गई कि माइनस 15 पे ही रख सकते हैं क्या? मैंने कहा एक और ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। मैंने कहा हाँ, एक और ऑप्शन भी आंसर हो सकता है, एक और केस हो सकता है। अगर वो केस 1 है तो ये खेला को मैं केस 2 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं इसको? केस 2। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, अच्छा लगा अपने को। चलिए अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो, हाँ इसको तुरंत कर लेते हैं जी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू हमारे लिए यहाँ से प्लस 2 हो जाएगा, जो कि माइनस ऑफ v बाई यू है, यानी कि v की वैल्यू यहाँ से माइनस 2u आ गई। ओहो, 1 बाई f, 1 बाई f इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यानी माइनस ऑफ 1 बाई 2u, ओहो प्लस 1 बाई u। आहा, LCM आ गया, LCM कितना आ गया है? LCM आ गया है 2u, 2u, ये आ गया माइनस 1, ओहो, ये कितना आ गया है? ये आ गया है आपका प्लस का, ये क्या करूं, नीन नीन नीन, हाँ
एलसीएम आ गया टू यू और फिर आपने जो है टू यू को इससे डिवाइड कर दिया तो 1-1 आ गया और ये 2 आ गया। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो ये आ गया 1/2u = 1/FA। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो माइनस और ठीक है, तो माइनस ऑफ 1 + 1/2u 1/2u = 1/F। अच्छा F की वैल्यू की कितनी दी हुई है तेरे को सवाल में, -10। बहुत बढ़िया, तो ये कट गया भाई साहब 5। ए हो यू की वैल्यू क्या आई, मैंने कहा -5 आ गई, क्या ये भी आंसर हो सकता है, मैंने कहा हाँ हो सकता है, तुम्हारे लिए 2 ऑप्शन हुए, क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है नीचे, हाँ यहाँ तक भी हाँ। अच्छा बहुत बढ़िया, तो यू की वैल्यू जो है वो -15 होगी, यहाँ पे -5 होगी, इसका मतलब आप ये समझ गए कि 2 आंसर हो सकते हैं, एक ये कि आप जो है इस ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में रख दीजिए तब यू का आंसर होगा -15, और अगर आपको फोकस और इसके बीच में यहाँ कहीं रख दोगे यानी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दोगे इधर की तरह, दोनों इन केस में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है, इस वाले केस में जो इमेज बन रही है वो रियल है, इस वाले केस में जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत दो आंसर आए, यू की वैल्यू -15 है -5 अगर तेरे आ रहे हैं तो खुश हो जा, बहुत बढ़िया। तुझसे एक चीज और पूछी जा सकती है, तुझसे ये पूछा जाए कि भाई साहब जो आपने इमेज बनाई है उसे ऐसा बताइए कि इस वाले में बोले ये सारी इन्फॉर्मेशन तो सेम है, फाइंड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो बोला, एंड ये बोलते एंड इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, ऐसा बोलते सवाल में कि इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हैं, इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, कौन सा वाला केस गायब हो जाएगा, ये वाला कि ये वाला। अच्छा इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इमेज रियल ही है, वो कभी वर्चुअल नहीं हो सकते क्योंकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे लिया नहीं जा सकता, तो कौन सा वाला केस गायब हो जाएगा, ये वाला केस गायब हो जाएगा, सिर्फ एक ही आंसर होगा u = -15, है कि नहीं यार, क्योंकि अगर आप इमेज को स्क्रीन पे ले पा रहे हैं इसका मतलब जो आपके पास इमेज है वो आपके पास जो है वो रियल इमेज है, लेकिन इस वाले केस में आपको जो इमेज प्राप्त हो रही है वो वर्चुअल इमेज है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्केव मिरर के लिए पूरा खेला जो है यहाँ पे खत्म होता है। जितना भी हमने ये टाइम पास किया है, जितने भी केसेस लिए हैं, क्या आप ऐसा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हैं, मैंने कहा क्या आप वीडियो को पॉज करके अपने लेवल पे इनको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपको करना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा इस बात की गारंटी, आपको अच्छा लगेगा इस बात की गारंटी है, क्यों, क्योंकि आप खुद से करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई साहब हम भी कर सकते हैं, हमको समझ में आ रहा है ना। चलिए भाई साहब तो आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर, केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब जरा ध्यान से देख, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको अपन घोड़े की रफ्तार से कर सकते हैं, अपन सीख चुके हैं। अब अपन ने क्या किया, अपन ने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, बहुत बढ़िया भाई साहब, ओहो पहला केस देख रहे हैं, बहुत शानदार। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए कैसा ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा रियल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, ये वाले डायरेक्शन क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यू की वैल्यू क्या हुई, उधर देखो कुछ भी रख लिया भाई साहब, तेरे हिसाब से जो भी होगी लेकिन निगेटिव होगी, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। अच्छा भाई साहब बहुत बहुत ही शानदार, अच्छा लगा अपने को। अब मान लीजिए कि यू की वैल्यू मैंने क्या मान ली, एक्स मान ली, यू की वैल्यू मैंने क्या मान ली, नहीं तो यू की वैल्यू हो जाएगी मेरे विद साइन एक्स और यहाँ पे हो गया पोल, मान लीजिए कि इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, क्या है 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव की नेगेटिव साइन के साथ भी अगर आप रखेंगे तो आपकी वैल्यू पास एफ की वैल्यू आएगी -20 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, हम लोग चाहते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज अगर पता करना है तो 1/b = 1/u + 1/f। अच्छा भाई साहब u की वैल्यू आपके पास क्या है, x है, तो ये हो गया -1/x + 1/, अच्छा माइनस आएगा प्लस आएगा, f की वैल्यू तेरे पास प्लस आएगी, काहे को लाला, क्योंकि ये जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है, तो आपके पास 1/20 आ गया, ओह बहुत बढ़िया, ये आ गया 1/v। अब तो चाहता है कि v की वैल्यू कैसे कैसे प्राप्त हो जाए, अच्छा बहुत बढ़िया, 1/b = -1/x + 1/20, बहुत बढ़िया। अब तू ध्यान से देख लाला, अगर मैं x को 0 डालूं तो v की वैल्यू क्या है, क्या वो 0 आ रही है, मैंने कहा
ये वैल्यू तेरे को जीरो आती हुई दिखाई दे रही होगी। एक्स को अगर आप जीरो डाल देने का मतलब क्या है कि आप पोल पे आ गए, पोल पे होंगे तो इमेज भी आपको पोल पे बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा मैं एक्स को और क्या डाल सकता हूँ, मैंने कहा एक्स जो है वो तेरे लिए एक्स जो है इधर की तरह एक्स माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। एक्स को अगर आप माइनस इंफिनिटी भी डाल देंगे तो आपके पास जो इमेज आएगी वो 20 ही आएगी, यानी वी वी इज इक्वल टू 20, यानी कि वी क्या आ गया है वो प्लस एफ पे आ गया। कहाँ पे आ गया है? प्लस एफ मतलब एफ पे आ गया है। अच्छा मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे तो इमेज यहीं बनेगी। कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। और आप अगर उधर ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो तो इमेज इधर की तरफ शिफ्ट होती होती एफ दूरी पे आ जा रही है, आ रही है कि नहीं है सोच के देख। तू अपने ऑब्जेक्ट को पोल से लेके इधर की तरफ लेके जा रहा है, कहां लेके जा रहा है तेरी मर्जी है, प्लस इंफिनिटी तक लेके जा, तब जो इमेज है वो ऐसे आ रही है, पोल पे सेम थी और यहाँ पे फोकस पे पहुंच जा रही है। उल्लू कैसी इमेज है लाला? अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले केस में आपके लिए u नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना यार, अब ध्यान से देखिए तू करके दिखाइए। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, कैसे बनेगा? देख 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 जरा एक इमेज को ऐसे ले जाइए। मान लीजिए कि मैं फोटो बना के लेने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये यहाँ पे रख दिया, टिक 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 टिक, ये अपने पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक रेखा ऐसे गई, टपक आने के बाद में ये रेखा जो है वो फोकस से पास होनी चाहिए, वो फोकस कहाँ पे, ये रहा, तो ये टपक आने के बाद में ऐसे कुछ कट लेगी, टिक 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 टिक, फोकस से पास हो गई। एक और इमेज लाइए, ये लो भाई साहब, ये गई वापस, ये इधर टपक, ये कहाँ से पतित हो रही, यहाँ पे वो इमेज कहाँ बनी, उनका यहाँ पे बन गई। अरे यहाँ अके नहीं यार, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार। तो आपको बात समझ में आई, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट जो है आपके पास वो कैसा ऑब्जेक्ट है, वो आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। कहाँ पे रखा हुआ है? इतना तेरी मर्जी, ऑब्जेक्ट को तू रख सकता है माइनस इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी रख। ऑब्जेक्ट को माइनस इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में रख, माइनस इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में रखेगा। जब तू ऑब्जेक्ट को पोल पे रखेगा तो तेरे को इमेज भी पोल पे बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर तू ऑब्जेक्ट को माइनस इंफिनिटी की तरफ लेके जाएगा तो इमेज तेरे पास शिफ्ट होती होती फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही होगी, यानी इमेज जो है वो तेरे पास पोल से लेके प्लस एफ के बीच में पेड़ी करती हुई दिखाई दे रही। अगर आप ध्यान से देखें तो आप जो इमेज पा रहे हैं वो एक वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। क्या इरेक्ट है? मैंने कहा। क्या स्मॉल इन साइज है? मैंने कहा स्मॉलर आपको बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा भाई क्या स्क्रीन पे इसको लिया जा सकता? मैंने कहा नहीं। क्या पहला केस तेरे समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। क्या यहाँ से यहाँ तक और कोई केस हो सकता? मैंने कहा नहीं। तो ये रियल ऑब्जेक्ट के केस में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर होगा और रियल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमेशा कैसी बनती हुई दिखाई देगी? वर्चुअल बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं और खेला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये केस नंबर वन था, केस नंबर दो पे चलते, थोड़ा फास्ट चला रहे हैं क्योंकि आप पहले वाला केस देख चुके हैं। दूसरे केस की तरफ अपन पढ़ते हैं। चलिए बस दूसरे केस की तरफ पढ़ते हैं। मान लीजिए इस बार मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो जो है इधर की तरफ रख रहा हूं। ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं? इधर की तरफ रख रहा हूं। अच्छा एक्स दूरी पे मैंने इधर की तरफ ऑब्जेक्ट रख दिया। कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होगा? मैंने कहा अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है, टिक टिक, इसका मतलब रे जो है वो ऐसे आ रही है। कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अपने को अच्छा लगा भाई साहब। अब अपन चाहते हैं कि अच्छा एक्स है तो यू की वैल्यू क्या आ गई तेरे पास? प्लस एक्स आ गई। एफ की वैल्यू तेरी मर्जी है, 20 ले ले, फिर साइन भी रखेगा तो 20 आ जाएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत बढ़िया। तो 1 बाई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई जो भी बेसिकली माइनस ऑफ 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू तेरे पास होता है 1 बाई एफ। तो 1 बाई बी हो जाएगा तेरे पास 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो 1 बाई एफ की वैल्यू होगी 1 बाई 20 माइनस 1 बाई यू, यानी कि एक्स आ गया। अच्छा 1 by v is equal to 20 minus 1 by x। ओहो बहुत बढ़िया। अब अगर ध्यान से देखें, माना कि मैं x को 0 डाल दूं, x को 0 डालो तो ये पता लग गया कि v की वैल्यू 0 है। अच्छा मतलब इमेज ऑब्जेक्ट को अगर पोल पे रखोगे तो इमेज भी आपको पोल पे बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अच्छा अब अगर मैं धीरे 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 इधर की तरफ जा रहा हूँ,
इधर की तरफ जा रहा हूं तो इमेज की किधर की तरफ जाएगी। मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया तो मेरे लिए इमेज किधर की तरफ बनेगी, यानी कि मैं x की वैल्यू कुछ रखूंगा 20 से छोटी, मेरे लिए x की वैल्यू कुछ भी 20 से छोटी रखूंगा। अरे ये 1/20 है, मान लीजिए मैंने 15 रख दिया, x की वैल्यू 15 रख दिया। 15 रखने का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जो है आप मतलब आप मान लीजिए कि इसको कहां रख रहे हैं, फोकस से पहले रख रहे हैं। 1/15 1/20 में बड़ा कौन होगा, मैंने कहा 1/15 जो होगा 15 छोटा है तो 1/15 बड़ा होगा, यानी नेगेटिव ये क्वांटिटी आएगी, यानी v की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, v की वैल्यू नेगेटिव होगी। और अच्छा एक बात की गारंटी है कि अगर जो है x की वैल्यू लेस देन 20 हुई तो ये 1/x बड़ा होगा, यानी v नेगेटिव होगा। और अगर x की वैल्यू 20 से बड़ी हुई, यानी फोकल लेंथ से, ये क्या है फोकल लेंथ है, ये क्या है फोकल लेंथ, उससे बड़ा हुआ, अगर उससे बड़ा हो गया मान लीजिए 25 हो गया, तो ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी ये बड़ी होगी, इसका मतलब v पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे रियल इमेज होगी और यहाँ पे वर्चुअल इमेज होगी। मतलब ये जो खेला होगा वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पे एफ ए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एफ ए एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। अब आप देखो जरा ध्यान से, f मेरे लिए क्या है, f मेरे लिए है 20, मैं f की तरफ जा रहा हूं, मैं f की तरफ जा रहा हूं, लिमिट लगा के टाइम पास कर रहा हूं, थोड़ा सा सोच ले देख ले समझ ले, भाई ऐसे ही मैं उड़ा नहीं रहा हूं तो समझ ले देख ले जरा क्या कर रहा हूं। मैं x की वैल्यू डालू 19.99999, बहुत ज्यादा नहीं, इसका मतलब तू फोकस की तरफ इधर से जा रहा है ना। एक पोल पे था, पोल पे थी, तो फोकस की तरफ जा रहा है, p नेगेटिव, v नेगेटिव का मतलब इधर ही बन रही है इमेज, है ही नहीं यार। अच्छा बहुत बढ़िया, तू जस्ट जो f की तरफ जा रहा होगा, तू अगर f की तरफ जा रहा होगा तो तेरे पास वैल्यू f से मतलब 20 पहुंचने वाला था लेकिन 19 हुआ। तो अब जरा ध्यान से देख, 1/20 1/20 -1/19 19.99999, 20 बड़ा की ये वाली क्वांटिटी बड़ी, 20 बड़ा है कि नहीं, तो ये छोटा ये बड़ा, 1/ ये बड़ा, ओवरऑल क्वांटिटी कैसी है नेगेटिव, इसका मतलब v जो है वो प्लस इंफिनिटी की माइनस इंफिनिटी, v माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब v तेरे पास क्या होगा माइनस इंफिनिटी। अब तेरे को समझ में आया कि यार तू अगर इधर से इधर की तरफ जा रहा है तो इमेज जो है वो भी मतलब जो है वो जैसे ही तू फोकस की तरफ बढ़ रहा है तो इमेज तेरे लिए कहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है माइनस इंफिनिटी। तू जस्ट चेक करना चाह रहा है कि तू जैसे ही मतलब जो है फोकस से थोड़ा सा आगे निकल जाए, यानी कि f की वैल्यू हो जाए तेरे लिए अगर if x is equal to 20.00001, यानी तू थोड़ा सा इसके इधर आ गया हो, तू देखना चाह रहा है कि यहां पे इमेज किस साइड जा रही है, यहां पे अगर इमेज किस साइड जा रही है तो 20 point something थोड़ा सा बड़ा रखा तो ये वाला जो x है वो 20 से बड़ा हो जाएगा तो 1/ ये छोटा हो जाएगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब v जो है वो प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, v जो है वो प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार, बहुत ही मतलब बढ़िया है, तो बहुत बेहतरीन हो गया है। तेरे को एक बात समझ में आ गई है क्या कि अगर तू पोल पे है, अगर तू पोल पे है तो इमेज पोल पे है, पोल पे बन रही है, और अगर तू मतलब तो पहला वाला केस जो, तो तेरे को यहाँ इस साइड समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान से देख इधर, यहाँ पे देख, तू बेसिकली पोल से लेके एफ की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इमेज तेरी कहाँ जा रही है, ये ये डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव, इमेज कहां पे माइनस इंफिनिटी, यानी कि जो इमेज जो होगी तेरी वो बेसिकली जब पोल पे होंगे तो इमेज भी पोल पे बनती हुई दिखाई देगी, जैसे तू इधर की तरफ जा रहा है इमेज माइनस इंफिनिटी की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ये कौन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कौन है इमेज, और तो जैसे ही एफ के थोड़ा सा इधर जाएगा ये इमेज अब कहां से आती हुई दिखाई देगी तेरे को, ये इमेज जो है वो इधर से आती हुई दिखाई देगी, यानी कहां से प्लस इंफिनिटी से, यानी इससे अगले वाले केस में अगर तुम इससे थोड़ा सा भी आगे की तरफ प्रस्थान करोगे तो इमेज जो है वो इधर से आती हुई दिखाई देगी, यानी आप इससे आगे की तरफ इधर की तरफ जाओगे ऑब्जेक्ट को लेके तो इमेज आपकी जो इसके जस्ट टाइम में यहाँ पे इमेज जो है मतलब जो है वो आपको इंफिनिटी से आती हुई दिखाई देगी। कौन सी वाली इंफिनिटी से, इस वाली इधर की तरफ, ठीक है।
और अगर आप इंफिनिटी पे इधर लेके जाओगे तो देखते हैं जरा। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें यहां पे देखें कि अगर मैं एक्स को प्लस इंफिनिटी डाल दूं, अगर मैं एक्स को प्लस इंफिनिटी डाल दूं तो मेरे लिए जो वी है उसकी वैल्यू प्लस एफ ही आ जाएगी। यानी आप जो है अपने ऑब्जेक्ट को प्लस इंफिनिटी पे लेके जाओगे तो इमेज जो है वो जो है फोकस पे ही आ जाएगी, यानी ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने दो दो केस को मर्ज कर दिया है, जरा ध्यान से देखें। दूसरे और तीसरे वाले को मर्ज कर दिया, जरा ध्यान से देखें। पहला तो पहला जो केस था वो था रियल ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो दोनों केस है मैंने उनको मर्ज कर दिया, तुरंत तुरंत मैं उनको लिख दे रहा हूं। जरा ध्यान से देखें, पहला वाला केस में मतलब जो सेकंड वाला केस है ऑब्जेक्ट इमेज नेचर, ऑब्जेक्ट इमेज नेचर, ऑब्जेक्ट जो है आपका वो कहां से कहां तक है, पोल से लेके फोकस के बीच में, यानी कि पोल से लेके फोकस के बीच में प्लस एफ के बीच में यूगी वैल्यू, तब जो इमेज है आपकी वो पोल से लेके माइनस इंफिनिटी के बीच में, माइनस इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छा लगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैसी कैसा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि नहीं यार, लेकिन वी आपके लिए नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा होगा तो आपके लिए एक रियल इमेज बनती हुई दिखाई देगी, यानी कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। अच्छा भाई साहब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और अगर तीसरे वाले केस की बात करें अपन, तीसरे वाले केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो जो है पोल से लेके किसके बीच में है, इंफिनिटी के बीच में, यानी आप पोल से लेके उसको प्लस इंफिनिटी के बीच में लेके जाएंगे तो इमेज आपकी जो है वो जो है वो प्लस इंफिनिटी से लेके फोकस के बीच में होगी, कहां से कहां तक, एफ से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत ही शानदार, कैसी इमेज होगी इस वाले केस में, वी भी पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि आपके पास वर्चुअल इमेज होगी। अच्छा भाई साहब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अच्छा दोनों ही केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले केस में आपको लार्जर इमेज प्राप्त हो रही है और दूसरे वाले केस में आपको स्मॉलर इमेज प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। दोनों केस में इन्वर्टेड भी होगी, मैंने कहा इन्वर्टेड 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 लार्जर, इसमें इन्वर्टेड और स्मॉलर। चलिए तो ये अपने जो है तीनों ही केस, मतलब जो है कॉन्वेक्स मिरर का ये जो पूरा केसेस का कार्यक्रम है ये अपने पास यहाँ पे खत्म होता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, क्या अपने को तुरंत तुरंत इसकी ग्राफ बना लेनी चाहिए क्योंकि वक्त काफी हो गया है, तो आइए ग्राफ देख लेते हैं, दो दो जो ग्राफ है वो बना लेते हैं। बाकी कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि ये केसेस लेने के बाद में अपने मतलब ग्राफ ध्यान में होना चाहिए, बाकी तुरंत जो है ग्राफ से अपन प्लस माइनस से पता कर सकते हैं कि क्या होगा। जैसे अगर अपन गोली की रफ्तार से ये बनाए ग्राफ तो बना, ग्राफ की अगर बात करें अपन ग्राफ्स, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, ये वाले को मैं y एक्सिस पे डाल रहा हूँ, ये वाले को x एक्सिस पे डाल रहा हूँ, ये मेरे लिए c हो जाएगा जो कि क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे f पॉजिटिव हो इसका मतलब y plus x is equal to c, y is equal to minus x plus c और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ड्र, ड्र, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यानी ये मेरे लिए 1 बाई बी हो जाएगा और ये मेरे लिए 1 बाई यू हो जाएगा, क्या बोलते है कि नहीं यार। अच्छा ये जो इंटरसेप्ट होगा इसकी वैल्यू होगी क्या, वैसे कभी कभी इंटरसेप्ट दिया होगा तो स्टाइल मार के क्या दिया हुआ है, अगर तुझे वो इंटरसेप्ट दिया हुआ तो तेरे को फोकल लेंथ ही हुई है, क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट होगा उसकी वैल्यू 1/f होगी यार, तो अगर ग्राफ ग्राफ वाले दबाव आए तो स्टाइल मार के फोकल लेंथ ही हुई है। अच्छा भाई साहब बहुत ही बढ़िया, अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले केस में यहाँ पे यू नेगेटिव है, यू क्या है नेगेटिव है, कैसा कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए भी हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है, तो क्या कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, मैंने कहा हाँ, क्या वो रियल ऑब्जेक्ट की कभी रियल इमेज बनाता है, मैंने कहा नहीं, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट मतलब यू नेगेटिव, यू जब जब भी नेगेटिव है तब वी जो है वो पॉजिटिव ही आ रहा। अच्छा यहां से यहां तक देखें क्या यू पॉजिटिव, यू भी पॉजिटिव, वी भी पॉजिटिव, इसका मतलब यू मतलब रियल ऑब्जेक्ट है और क्या है इमेज भी कैसी है वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल सॉरी
यू पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। अच्छा यहाँ पे आप देखें तो यू पॉजिटिव है, वी नेगेटिव, यू पॉजिटिव होने का मतलब है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वी नेगेटिव होने का मतलब रियल इमेज। मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ये वाला मिरर जो है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, यानी दोनों टाइप की इमेज जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया बनाया करता है, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाता है। कौन जी, कौन? ये अपना कॉन्वेक्स वाला मिरर। अच्छा पूरी वीएसडी हो गई। अच्छा एक और जो ग्राफ बना सकते हैं अपन वी और यू के बीच में, आइए देख लेते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ग्राफ ध्यान रखेंगे तो क्या सारे वो वैसे सवाल कर पाएंगे? मैंने कहा बाकी वो ग्राफ आए कैसे, उसके लिए क्या पहले सारे केसेस लेके समझा दिए? मैंने कहा उल्लू उल्लू देखे जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया। इसका जो ग्राफ आएगा माइनस है, माइनस है। अच्छा ये जो है वो बी हो गया है और ये वाला जो है वो यू हो गया। अच्छा वैसा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अच्छा अपनी मर्जी से बना रहा है कि नहीं? नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बनाया जा रहा है, जो अभी अपने पढ़ा उसी से आ रहा है। अच्छा अगर अपने ध्यान से देखें तो ये जो अपने पास मिरर था वो टिक 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 आवर टाइम पास करते हैं। पहले अपन अगर तेरे को याद हो तो अपन जो इन्फिनिटी से चले थे ना, हाँ किधर, मैंने कहा यू पॉजिटिव मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से जो है अपना ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे रखा था रियल ऑब्जेक्ट, ओ रियल ऑब्जेक्ट मतलब यू पॉजिटिव, यू अगर पॉजिटिव होगा, यू अगर पॉजिटिव होगा मान लीजिए कि यू की वैल्यू होगी अपने पास माइनस इन्फिनिटी, माइनस मतलब यू रियल ऑब्जेक्ट होगा तो यू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी हुआ तो इमेज कहाँ बनी थी, प्लस एफ से, यानी वर्चुअल इमेज कहाँ बनी थी, प्लस एफ पे बनी थी। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, प्लस एफ, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस एफ। अच्छा भाई जैसे 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 आप यहाँ पे इमेज बनी थी प्लस एफ पे, यानी और जैसे जैसे आप जो है इधर की तरफ आ रहे थे इमेज आपकी पोल की तरफ जा रही थी, कहाँ जा रही थी, पोल की तरफ जा रही थी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है ना। अगर आप पोल पे आ गए होंगे तो आपके लिए यहाँ पोल पे बन गए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ही आप इधर की तरफ आए ऑब्जेक्ट कैसा हो गया होगा, यू जैसे ही पॉजिटिव हुआ ऑब्जेक्ट कैसा हो गया है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई साहब वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या करेंगे, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो जीरो से लेके यानी यहाँ पे फोकस की तरफ जा रहे हैं, तब इमेज जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इधर की तरफ। कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। लेकिन जैसे ही आप जो है ये फोकस वाले को ही पार करते हुए इधर की तरफ ऑब्जेक्ट रखेंगे, कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप एफ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इमेज जो है वो प्लस एफ से, यानी प्लस एफ का मतलब उधर की तरफ बनेगी, वर्चुअल इमेज बनने लग जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके बढ़ते रहेंगे तो इमेज जो है वो आपकी फोकस की तरफ आती हुई दिखाई देगी, यानी आप जो है फिर ऑब्जेक्ट को लेके ऐसे इन्फिनिटी की तरफ चले जाइए, इमेज जो होगी वो प्लस इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के अपन अपने को अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है यू नेगेटिव है, यू नेगेटिव का मतलब कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, यू नेगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन वी पॉजिटिव यानी कि वर्चुअल इमेज है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, यहाँ पे यू भी नेगेटिव है, हम सही तो लिखा ना, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। हाँ भाई बहुत बढ़िया, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की वी वर्चुअल इमेज होगी। यहाँ पे यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, यू नेगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, वी नेगेटिव का मतलब रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की। यू पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। वी नेगेटिव, नींद आने लगी यार क्या हो रहा। अच्छा इधर की तरफ चलें, अगर आप ध्यान से देखें तो आगे की तरफ यहाँ पे यू कैसा होगा, पॉजिटिव, तो कैसा हो गया है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओहो वी कैसा है, पॉजिटिव, तो कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इस तरह से अपन सारी बातें बता सकते हैं, इसके मतलब अपन जो है एफ यू एंड वी के साइन देख के भी अपन बता सकते हैं कि कौन सा मिरर है, कैसा ऑब्जेक्ट है और कैसी इमेज है। तो इस तरह से ये जो कार्यक्रम था
वो अपन इस लेक्चर का यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपके बेटे ने जो किस तरह से एफ के आसपास जैसे मतलब ये ऐसे हो जाता है वो बात आपको समझ में आई होगी, किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं एफ पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से ये भी बात आपको समझ में आई होगी। बाकी सारे केसेस बहुत अच्छे से करें, तमाम उस तरह के सवाल की इस वाले केस में रियल बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी, उस तरह के सवाल अगर आपने इन दोनों मतलब चारों ग्राफ को अच्छे से समझ लिया होगा, किस तरह से केसेस लेके हमने सब देखा होगा ये समझ लिया होगा, तो आपके भेजे में ये बातें अगर अच्छे से उतर गई होगी तो सवाल होगा इसकी 100% गारंटी है ना। आज के खेला को यहीं पे अपन फिर समाप्त करते हैं। अगले वाले में अपन बात करेंगे किसकी, अभी नहीं अभी स्पेरिकली चलेगा, अभी स्पेरिकली थोड़ा मैग्निफिकेशन के बारे में और जो मैग्निफिकेशन के टाइप हैं वो देखना है, सवाल अपने को देखना है और अपने को अभी भी वेलोसिटी इन स्पेरिकल मिरर्स के बारे में बात करनी है। फिर अपन कहां पहुंच जाएंगे, फिर अपन जो है आगे जा पहुंचेंगे, रिफ्लेक्शन का खेला शुरू करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मतलब जो भी ये नंबर है पांचवा छठवा जो भी है सिक्स वाला है, खैर तो इसमें इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।